हाँ तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू फ्रेश और कमाल की वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं किंग ऑप्टिकल और मैं हूँ यश राठौर। तो हाँ फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा कोई ग्लासेस आए जो आपका दिन में धूप के चश्मों की तरह काम करे और रात को नंबर के चश्मों की तरह काम करे? हाँ फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी ऐसा ग्लासेस चाहते हैं जो दिन में आप सन ग्लासेस पहन कर निकलते हैं इस तरह का ग्लास रहे और शाम को आप जो पावर का चश्मा पहनते हैं इस तरह का ग्लासेस रहे? मतलब कि जैसे ही आप धूप में निकले तो वो एकदम ब्लैक हो जाए और जैसे ही आप छांव में आएंगे मींस शाम को तो वैसे ही वो वापस आपके नंबर की तरह वाइट हो जाए। तो क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ग्लासेस आते हैं जो आप धूप में जाएंगे तो डार्क हो जाएंगे और छांव में आएंगे तो वाइट हो जाएंगे? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ डे एंड नाइट ग्लासेस, मतलब कि धूप छांव के ग्लासेस। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इस ग्लासेस को लगवाने के क्या फ़ायदे हमारे चश्मे में, और साथ ही साथ ये तो समझेंगे ही बल्कि लाइव डेमो भी देखेंगे कि ये ग्लासेस धूप छांव के जो ग्लासेस है वो किस तरह से काम करते हैं और ये कितने प्रकार के आते हैं ये भी समझेंगे। और आखिर में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कि क्या आपको ये नंबर के चश्मे में बनवाना चाहिए, मतलब फोटोक्रोमेटिक भी बोलते हैं इसे, डे एंड नाइट और धूप छांव का भी बोलते हैं, तो क्या आपको ये नंबर के चश्मे में बनवाना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस पूरी समझ में आ पाए। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस चश्मों से संबंधित सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो हाँ फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या होता है ये डे एंड नाइट फोटोक्रोमेटिक और धूप छांव का ग्लासेस। तो एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि धूप छांव का चश्मा के ग्लासेस, ये जो मैंने आपको दिखाए थे, ये जो ग्लासेस है ये सिंपली केवल इतना सा होता है कि जैसे ही आप अगर धूप में जाते हैं तो जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है ये एकदम ग्रे कलर या ब्लैक कलर का हो जाता है और जैसे ही आप धूप से छांव में आते हैं तो ये वापस से वाइट हो जाता है। तो ये तो हमने सिंपल से भाषा में, आम भाषा में समझा कि क्या होता है फोटोक्रोमेटिक या डे नाइट का सन ग्लास। तो अब हम लोग चलते समझेंगे व्हाई दिस ग्लासेस, मतलब कि यही ग्लासेस क्यों, क्योंकि पावर के तो बहुत सारे ग्लासेस आते हैं जैसे ब्लू कट हो गया, एंटी क्लियर हो गया, इस तरीके के बहुत सारे ग्लासेस हमें मार्केट में अवेलेबल है, पर क्यों हम डे एंड नाइट या फोटोक्रोमेटिक ही लगवाएं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग धूप में निकलते हैं चश्मा पहन के आपका पावर का, तो जो सन की मतलब यूवी रेस होती है जो आपकी आँखों को हार्म करती है, तो उससे बचाने के लिए जो बेस्ट ग्लासेस होते हैं वो होते हैं डे नाइट या धूप छांव का, मीन्स इसे फोटोक्रोमेटिक भी कहते हैं। तो ये बेस्ट ग्लासेस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप मार्केट में इसे पहन के निकलते हैं तो जैसे ही आप धूप में निकलते हैं ये जो आपका नंबर का चश्मा है वो बिल्कुल सन ग्लासेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उसका कलर एकदम ब्लैक या ग्रे हो जाता है, तो लगता नहीं है कि आपने नंबर का चश्मा लगा रखा है, ऐसा ही लगता है कि आपने सन ग्लासेस लगा रखा है। और जैसे ही आप सन ग्लासेस से छांव में आ जाते हैं वैसे ही ये जो चश्मा है वापस धीरे धीरे वाइट हो जाता है, तो ऐसा वापस लगता है कि आपने सनग्लास से नंबर का चश्मा लगा लिया। तो ये एक ही चश्मा आपका सनग्लासेस का और पावर के चश्मे का काम करेगा। तो आइए इसे हम लाइव डेमो में देखते हैं कि किसे ये काम करता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं लाइव डेमो के पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने टाइप्स के ये धूप छांव के ग्लासेस आते हैं। तो सबसे पहला तो ये है मेरे हाथ में जो कि है कांच, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं ये है कांच और ये वाला जो है ये है फाइबर। तो दो तरह के धूप छांव के ग्लासेस आते हैं, एक कांच वाला आता है और एक फाइबर वाला। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि एक कांच वाला आता है और एक फाइबर वाला। तो अब हम लोग इन दोनों के फीचर्स जानेंगे और इन दोनों की क्या क्या खासियत है उसमें लाइव डेमो में हम लोग देखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे इसका लाइव डेमो। तो ये देख सकते हैं ये है फाइबर वाला फोटोक्रोमेटिक, देख सकते हैं कितनी जल्दी डार्क हो रहा है, और ये है कांच वाला फोटोक्रोमेटिक। तो अब आप लोग दोनों देख सकते हैं कि अभी ये वाइट है, आप लोग देख सकते हैं, अब मैं इसे छांव में लाके दिखाता हूँ तो ये कितना डार्क हो चुका है, और देखिए आप कितनी ही जल्दी जैसे इस पर सनलाइट पड़ रही है तो ये और ही जल्दी से डार्क हो रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एकदम डार्क हो चुका है और ये सनग्लासेस की तरह भी काम करेगा। और ये है कांच वाला, देख सकते हैं कांच, और ये है फाइबर। तो ये मैंने आपको लाइव डेमो दिखा दिया है कि कितनी जल्दी, अब इसे हम छांव में रख के देखते हैं कितनी जल्दी ये वाइट हो जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये जो फाइबर है ये कितनी जल्दी लाइट हो चुका है, पर जो ग्लास है उसमें अभी हल्का हल्का सा कलर रह गया है। तो मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा कि फाइबर वाला ही बेस्ट रहता है, देख सकते हैं कितनी जल्दी वाइट हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देखा लाइव डेमो जिसमें कि मैंने आपको दोनों कांच और फाइबर के
धूप छाँव का जो ग्लासेस है उसे डार्क करके दिखाया, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि दोनों, जैसे आप धूप में जाएंगे तो डार्क हो जाएगा, जैसे छाँव में आएंगे तो वापस से वाइट हो जाएगा। तो ये तो थे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमें क्या कांच वाला लगवाना चाहिए या फाइबर वाला फोटोक्रोमेटिक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कांच वाला जो रहता है इसमें वेट रहता है, प्लस गिरने पे टूट भी जाता है, और फाइबर वाला जो रहता है ये लाइट वेट रहता है, एकदम हल्का रहता है, और सेकंड बात ये इसकी अच्छी है कि गिरने पे टूटता भी नहीं है। अब चलते हैं इसकी सेकंड कंपेरिजन के ऊपर। तो ये जो ग्लास वाला रहता है ये थोड़ा टाइम लेता है डार्क होने में, प्लस टाइम लेता है थोड़ा सा लाइट मतलब वाइट वापस से होने में, प्लस अगर हम लोग इसकी फाइबर वाले की बात करें तो ये बहुत ही जल्दी डार्क हो जाता है और कंपेयर टू कांच से। और अगर इसको मतलब उसकी वाइटनेस की बात करें तो डार्क भी जल्दी होता है और वाइट भी बहुत ही जल्दी होता है। तो इसकी ये फाइबर वाले की खासियत है। अब तीसरी खासियत की इन दोनों की बात करें तो कांच वाला जो है ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू फाइबर, मतलब कि अगर आप वो फाइबर वाला फोटोक्रोमेटिक नंबर में लेने जाएंगे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा और ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। अब मैं आपको एक्यूरेट प्राइस तो नहीं बता सकता क्योंकि ये नंबर के ऊपर आपके डिपेंड करता है। तो अब हम लोग चलते हैं मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल जो सलाह रहेगी, मतलब मेरी राय रहेगी, वो यही रहेगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप फाइबर वाला ही फोटोक्रोमेटिक लगवाएं, क्योंकि ये डे नाइट जो ग्लासेस हैं ये सबसे बेस्ट रहेगा आपकी आँखों के लिए। जैसे आप सन में जाएंगे तो आपको जो सन की यूवी रेस है उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, ये आपका नंबर की तरह भी काम कर देगा, आपके सनग्लासेस की तरह भी काम कर देगा, और ऑल इन वन ग्लासेस ये आपके लिए रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फाइबर वाला लगवाएं, क्योंकि ग्लास वाला अगर एक बार गिरता है तो टूट जाता है, वो वापस से नुकसान होता है, आपको बार बार बदलाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा वेट भी आता है, ये लाइट वेट भी रहता है। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा इसमें फोटोक्रोमेटिक जब भी बनवाएं वो फाइबर वाला ही बनवाएं, ताकि आपको पहनने करने पर भी बिल्कुल लाइट वेट रहे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जिसमें मैंने आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दी है कि डे एंड नाइट सनग्लासेस के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरीके की पावरफुल वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 99वीं वीडियो है, मतलब कि 99वीं वीडियो हमारी चैनल पर कंप्लीट होने वाली है, मींस हो ही गई है, ये 99वीं वीडियो ही है। अब हमारे चैनल पर 100वीं वीडियो मींस 100वीं वीडियो आने वाली है, तो आप लोग सजेस्ट कीजिए। मैंने सोचे हैं दो टॉपिक 100वीं वीडियो के लिए, कि एक ऑप्टिकल प्रैंक के ऊपर बनाऊँ, या आप चश्मों की फिटिंग देखना चाहेंगे कि कैसे चश्मों में फिटिंग होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बता सकते हैं कि आप ऑप्टिकल प्रैंक देखना चाहेंगे, मतलब कि ऑप्टिकल के ऊपर जो प्रैंक होते हैं वो देखना चाहेंगे, या चश्मों की फिटिंग के ऊपर कुछ देखना चाहेंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 100+ वीडियोस हो चुकी हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्या 99 वीडियो हो चुकी है, वो 100 वीडियो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो कीप गोइंग, कीप सपोर्टिंग। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।